अंतर्रा महाविद्यालय महिला रस्सी कशी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन सौभाग्यवती बाई दानी महिला महाविद्यालय धामपुर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। जनपद बिजनौर के धामपुर के सौभाग्यवती बाई दानी महिला महाविद्यालय धामपुर में अंतर्रा महाविद्यालय महिला रस्सी कशी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी व प्रबंधक विजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी को बुके देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एसबीडी की छात्रा अनुश्री सिसोदिया और नंदिनी सैनी द्वारा योग किया गया, जिस पर उपजिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी द्वारा अनुश्री सिसोदिया और नंदिनी सैनी की पीठ थपथपाई गई। इस दौरान रस्साकशी में पहला राउंड आरएसएम धामपुर और आरबीडी बिजनौर के बीच हुआ, जिसमें आरबीडी बिजनौर विजयी रही। दूसरा राउंड भी आरएसएम धामपुर और आरबीडी बिजनौर के बीच हुआ, जिसमें आरबीडी बिजनौर विजयी रही। तीसरा राउंड गुलाब सिंह चांदपुर और एसबीडी धामपुर के बीच हुआ, जिसमें एसबीडी धामपुर विजयी रही। चौथा राउंड भी गुलाब सिंह चांदपुर और एसबीडी धामपुर के बीच हुआ, जिसमें एसबीडी धामपुर विजयी रही। इस दौरान प्रबंधक विजय कुमार, एस के राजपूत, प्राचार्य डॉक्टर पूनम चौहान सहित आदि मौजूद रहे। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु और सभी छात्राएं जो आज इस टग ऑफ वॉर के गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, सबसे पहले तो उन सभी को शुभकामनाएं। ऐसा होता है कि जब हम किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, दो टीमें खेलती हैं, एक टीमें जीतती है और एक टीमें हारती है। लेकिन ध्यान रखना, जो हारी है वो भी उतनी ही आदरणीय है जितनी जीतने वाली, क्योंकि आप लोग उन सबसे अलग है जो आपके कॉलेज में बैठे होंगे, जिन्होंने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जिसने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, इसलिए आप लोगों की भावना मैं समझ सकती हूँ। आप जब भी, क्योंकि जब कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन खेलता है तो एक ही भावना से खेलता है, वो भी जीतने की भावना से, और वास्तव में खेलना भी जीतने की भावना से चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और भावना आवश्यक है, वो है खेल भावना। अगर हम हार भी जाएं तो जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम का भी सम्मान करना चाहिए, ये जीतने वाली टीम की खासियत होनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और सबसे पहले मैं महाविद्यालय को शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और इस गेम को आपने इंट्रोड्यूस किया आपकी यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले आप लोग बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और जितने भी कॉलेज यहाँ पर आए हैं, उनके साथ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी आप लोगों के कार्यक्रम में आती रहूंगी, और वास्तव में आप लोगों के बीच आकर बहुत अच्छा लगा। समय के अभाव की वजह से नहीं रुक पा रही हूँ, इसके लिए आप सभी से माफी चाहूंगी। आप सभी मुझे अनुमति दीजिए जाने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।